हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सांद्रता 30% वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखो क्या है, एक मिश्रण में 15% चीनी है, सांद्रता है, दूसरे में 40% सांद्रता है और हमें क्या चाहिए, 30% वाला मिश्रण चाहिए। तो क्या होगा, हमारा सिंपल एलिगेशन मेथड लग जाएगा। एक में 15% एक में 40% और दोनों को मिला के कितना परसेंट, 30%। इसका अंतर 15, इसका अंतर 10 का, ठीक है। 2:3 में हम इसको मिलाएंगे तो हमें 30% सांद्रता वाला जो मिश्रण है वो प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन आज हम करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक मिश्र धातु में 90% जिंक और 10% कॉपर है, दूसरी मिश्र धातु में 93% जिंक और 4% कॉपर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो 93 और 4 97 ही हुए। मिश्र धातु में अलग मिश्र धातु, कोई एक अलग धातु भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमें धातुओं का परसेंटेज है सिर्फ वो दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल सिर्फ दो ही धातुओं का मिश्रण नहीं है, ठीक है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% कॉपर हो, नए मिश्र धातु में जिंक का प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें कॉपर का ज्ञात करना है। देखो एक में कॉपर 10%, दूसरे में कॉपर 4% और दोनों को मिला के कॉपर कितना बनाना है, 9% बनाना है। तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल एलिगेशन मेथड लग जाएगा कॉपर में। तो यहाँ पे देखो 10% है हमारा एक में, 4% है हमारा दूसरे में और दोनों को मिला के कितना बन रहा है, 9%। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5:1। तो यहाँ पे तो कॉपर का तो आ गया हमारा, तो जब कॉपर का आया है तो सेम हमारा जिंक का भी आएगा, क्योंकि दोनों मिश्रण को ही तो मिला के हमने नया अनुपात मिलाया है ना। जब भी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं कोई भी एक चीज़ को उठाते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉपर को उठाया है और कॉपर का ही हमसे पूछा था, है ना। तो हमने कॉपर से हमारा अनुपात निकाल लिया कि जो हमारा अनुपात है वो क्या है, 5:1 है। तो अब यहाँ पे देखो, एक मिश्रण में जिंक कितना, 90% है ना, दूसरे में कितना, 93%, ठीक है, 93%, और दोनों का अनुपात हमने मिलाया किसमें है, 5:1 में। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों का अंतर हमारा सिर्फ 3 बन रहा है ना। तो जो यहाँ पे संख्या जो आएगी वो इन दोनों के बीच की संख्या आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो अनुपातों का जोड़ बन रहा है ये बन रहा है 6, और जब ये जो अनुपातों का अंतर होता है, जो अनुपात होते हैं, ये हमारे इन दोनों का और इन दोनों का अंतर ही तो होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर 3 है, यहाँ पे अंतर है 6, तो यहाँ पे अंतर 3 करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो इसको भी 2 से भाग देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे इसका और इसका अंतर, इसका और इस वाली संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, 1/2। और हमें पता है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो जो ठीक छोटी संख्या होती है उससे यहाँ पे बड़ी रहेगी संख्या, और जो बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या रहेगी। तो इस वाली संख्या ये वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 90+1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90.5%, है ना। 93 में से भी घटाएंगे 5/2 तो भी हमारा यही आंसर आएगा, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीना 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल क्या हो गया, 15 किलोमीटर/आवर, है ना। सॉरी, पंद्रह किलोमीटर पर आवर होगी हमारी औसत चाल। इसमें से वह कुछ दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से
और कुछ दूरी रिक्शा से 12 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। यहाँ पे देखो कुछ दूरी दे रखी है, यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे मान लो कुछ की बजाय शेष होता, यहाँ पे मान लो शेष होता तो हमें क्या था कि पूरी 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो इन दोनों ने सिर्फ कार से और रिक्शा से तय करी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कुछ दूरी ये है और कुछ दूरी ये है, और जो बाकी बची हुई शेष दूरी थी वो किसी और से तय करी होगी, वो हमें नहीं दे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है ना कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल है ना, और ये 12 किलोमीटर पर आवर की चाल है, और औसत चाल तो हमें दे रखी है कितनी 15 किलोमीटर पर आवर है ना। तो हम इन दोनों का समय का अनुपात निकाल लेंगे। जब भी दो चालें दे रखी हो और दोनों की औसत चाल दे रखी हो तो जब हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो हमारे पास समय का अनुपात आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कुल दूरी, यहाँ पे शेष दूरी का दे रखा होता तो हमारा दूरी का ही अनुपात आ जाता, लेकिन यहाँ पे अब क्या आएगा हमारा समय का अनुपात आएगा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:5, ठीक है। और यही हमसे पूछा था कि कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये तो आ गया हमारा समय का अनुपात, तो यहाँ पे हमसे समय नहीं पूछा। समय पूछते तो हमारा आंसर क्या होता 3:5। तो यहाँ पे हमसे समय ना पूछ के क्या पूछा है दूरी का अनुपात पूछा है। तो जब समय का अनुपात है 3 और कार से जो कार की जो चाल है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो कार की दूरी निकालेंगे पहले तो 3×20 अनुपात। रिक्शे की चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शे का अनुपात कितना है समय का 5, तो 5×12 5×20 4×3 12 3 से हमारा कट गया 3, तो 1:1 आ गया हमारा दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा, कहीं ये वाला अनुपात देखते ही ये वाला टिक लगा दो, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा 100% मिलेगा। तो जो यहाँ पे आप गलती कर सकते थे वो मैंने बताई, क्या आप सीधा ये वाला अनुपात देते, ये वाला जो अनुपात आएगा हमारा समय का अनुपात आएगा, ठीक है। और दूरी हमें इससे निकालनी पड़ेगी, समय गुणा चाल हमारा होता है दूरी, ठीक है, समय गुणा चाल। तो समय गुणा चाल करेंगे तब हमारी दूरी आएगी, तब हम दूरियों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा सही आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1:1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं। पहले बर्तन में दूध 80% है तथा दूसरे बर्तन में दूध 60% है। अगर वह एक बर्तन से 30 लीटर दूध तथा दूसरे बर्तन से 40 लीटर दूध लेता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है, दो तरह के दूध हैं उसके पास, एक में दूध की मात्रा कितनी है 80% है, दूसरे में है 60%। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे, एक मिश्रण से तो लिया है 30 लीटर दूध, जिससे 30 लीटर लिया है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है 80% है ना। यहाँ पे दे रखा है कि दूध का प्रतिशत कितना है 80%, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 लीटर दूध है, 30 में से कितने लीटर दूध है 24 लीटर दूध है। नेक्स्ट क्या बोला है, दूसरे मिश्रण से कितना लिया है 40 लीटर दूध लिया है, 40 लीटर दूध लिया है तो इसमें सांद्रता कितनी है दूध की 60% है, तो बटा 100 तो 6×24, इसमें भी 24 लीटर ही दूध है। अब यहाँ पे देखो हमने टोटल दूध कितना लिया है 30 ये 40 ये, और दूध हमारे पास वैसे आया कितना है 48 लीटर, तो 48 लीटर आया है हमारे पास कितने में से 70 में से, और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से ही करें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है कि क्या देखो क्या होता है कि जब हम एलिगेशन मेथड पढ़ रहे हैं, एलिगेशन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और मिश्रण हमें दिख गया तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगेगा। लेकिन एलिगेशन मेथड इसमें हम लगाएंगे कैसे, यहाँ पे तो दोनों का लीटर में दे दिया, इनको मिला के कोई ना तो हमें अनुपात दिया ना ही दोनों को मिला के कोई थर्ड मिश्रण बनाया, तो इसमें हमारा एलिगेशन मेथड वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 0 से हमारा 0 कट गया, करना भी चाहेंगे तो टफ रहेगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे 49 होता तो हमारा पूरा 70 पे कट जाता है ना, 70 पे नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है अब काट लेंगे इसको 7×42, ठीक है, कितना बच गया हमारा 6 बच गया, 7×63 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 60 है, तो 7×8 56, तो
68 पॉइंट कुछ बनेगा, तो 68 पॉइंट पर एक ही ऑप्शन है कौन सा, थर्ड ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको भी ध्यान से देखना। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है, अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, हर लड़के को तो मिल रहे हैं 90 पैसे, है ना, और लड़की को मिल रहे हैं, सॉरी, लड़की को मिल रहे हैं 65 पैसे। ये दो चीज़ हमें दे दी, और क्या दिया है, टोटल है हमारे पास 41 रुपए। तो क्या होता है, 41 रुपए में टोटल पैसे कितने, 4100 पैसे कितने बच्चों में बांटने हैं, 50 में बांटने हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 82 पैसे आएंगे पर बच्चे के, जो औसत मनी आएगी हर बच्चे की वो कितनी है, 82। तो हमारा एलिगेशन मेथड वर्क कर जाएगा, एक के पास 90 है, दूसरे के पास 65, और दोनों को मिला के कितना, 82। तो हमारे दोनों का अनुपात आ जाएगा, तो 90 65 और दोनों को मिला के कितना, 82। तो दोनों का अनुपात कितना यहाँ पे हो जाएगा, 8, और इन दोनों का अंतर कितना, 17, ठीक है। अब ये दोनों की जो उनकी जो औसत वो आ गया, हमारा दोनों का अनुपात आ गया वो कितना है, 17:8। अब क्या पूछा हमसे, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल छात्र हैं 50, अनुपात में है 25, तो 50/25 एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और लड़कों का अनुपात कितना है, 17, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 17 × 2 = 34, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 36.9 रुपए का धन 90 सिक्कों से बना है, जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और क्या दिया है, 36.9 रुपए हैं। 36.9 रुपए को हम कर लेते हैं पहले पैसों में चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों प्रकार के सिक्के जो हैं वो पैसे में हैं, तो यहाँ पे 3690 पैसे बन गए, ठीक है। और औसत एक सिक्के की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 90, तो बटा 90, 0 से हमारा 0 कट गया, 9 × 36, 9 × 1 = 9, तो टोटल एक सिक्के की औसत वैल्यू कितनी आ गई, 41 पैसे, ठीक है। तो हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, एक है 20 पैसे के, एक 50 पैसे के, दोनों को मिला के हो गए 41 पैसे के, है ना, यही बना। तो अब यहाँ पे देखो हमारा एलिगेशन मेथड लग गया, तो 9 और 21, 3 से कट जाएगा 7 पे, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 3:7, ठीक है, सॉरी, तो दोनों का अनुपात क्या आ गया, 3:7, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना, 3, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 90/10, क्योंकि टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है, 10 × 3, 10 से कट गया, 9 पे 9 = 27, तो कितने सिक्के हैं हमारे पास, 20 पैसे के 27 सिक्के हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 69 रुपयों को 115 छात्रों में बांटना है, प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए हर लड़के को लड़की से 2 गुने पैसे मिलते हैं। मान लो लड़की को x रुपए मिल रहे हैं, तो लड़के को कितने मिलेंगे, 2x, क्योंकि लड़के को क्या है, डबल पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2x, और 2x - x हमें क्या दे रखा है, 50 पैसे, है ना, 50 पैसे दे रखा है। देखो यहाँ इस लाइन में लिख रखा कि लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, यानी कि लड़के को ज़्यादा मिल रहे हैं 50 पैसे, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 50 पैसे। तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं और लड़की को कितने पैसे मिल रहे हैं, ना, लड़की, तो लड़की को तो मिल रहे हैं x, तो लड़की को 50 पैसे, लड़के को डबल x, तो क्या हो गया, 100 पैसे, ठीक है। अब औसत वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक छात्र को औसत कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि 69 रुपए हैं हमारे पास, तो 69 रुपए हैं, तो 69 को 2 जीरो लगा देंगे, पैसे में चेंज कर लेंगे, बटा 115, ठीक है। तो अब यहाँ पे 115 से 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 0, ठीक है। 23 से काटेंगे, किस पे कट जाएगा, 6 पे कट जाएगा, तो 60 पे हो जाएगा, तो दोनों को मिला के कितने, 60 पैसे। इस पे इसका एलिगेशन मेथड लग जाएगा, तो ये 40, ये 10, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 1:4, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 115,
और अनुपात में विद्यार्थी कितने, 5, तो बटा 5, और लड़कियों का अनुपात कितना, 4, तो 4 पे 4 कट जाएगा, 23 × 5 = 115, 23 × 92, तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, 92। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। काट लिए जाते हैं का मतलब इसका माइनस मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा में 250 प्रश्न हैं और अगर एक छात्र को परीक्षा में 477 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो ये भी हमारा एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। कैसे, मान लो कि उसने सारे क्वेश्चन सही करता वह है तो उसको कितने अंक मिलते, 250 × 3, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न सही पे कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। मान लो वह सारे क्वेश्चन गलत करता तो उसको कितने अंक मिलते, 0.5, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो अंक होते हैं इसको नेगेटिव में मिलते, ठीक है, सही और गलत पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि गलत का उसको आधा नंबर मिलता है तो ये पॉजिटिव रहते, लेकिन गलत पे आधा नंबर काट लिया जाता है। काट लिया जाता है का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों उसको मिला के उसको मिले कितने हैं, 477, है ना। तो इन दोनों की गुणा 750, इन दोनों की गुणा 125, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। माइनस साइन का जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करनी यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। मैंने इसलिए प्रॉपर अलग से आपको मेंशन करके बताया है कि यहाँ पे हम अपना माइनस का साइन लेके जरूर चलेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। फिर अब लगा देंगे हम अपना एलिगेशन मेथड, है ना, क्योंकि एलिगेशन मेथड यहाँ पे वर्क कर जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच की कोई संख्या है, ठीक है। तो अब एलिगेशन मेथड हम लगा दिया, 750 − 477, तो कितना अंतर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 750 − 477, 377 और 273, है ना, 273 और इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये 125 इसमें जुड़ जाएगा, तो 477 + 125, क्योंकि ये माइनस का, माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें से ये जुड़ जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो 2, 0, 5, 602, तो यहाँ पे आ जाएगा 602। अब क्या बोला है, उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो ये किससे कट जाएगा हमारा, 3 से कटेगा, नहीं, 7, 7, 7, 8, 56, 7, 8, 56, 7, 6, 42, 7 से काटेंगे, 7 × 2, 7, 21, 7 × 63। अब हमारा अनुपात क्या आ गया, 86 / 39। अब हमसे क्या पूछा है, तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो देखो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 250, और अनुपात में हमारी वैल्यू कितनी आई है, 125, ठीक है, 250 / 125, और यहाँ पे देखो गलत उत्तर का अनुपात कितना है, 39, तो गुणा 39, ठीक है, तो ये 2 पे कट जाएगा, तो कितना आ गया, 78 क्वेश्चन ऐसे थे जिसने जिसके उसने गलत आंसर दिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दस मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है और शेष फर्श कपड़े से ढका है। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338.5 रुपए है तो कालीन व कपड़े का मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति मीटर और 6.5 रुपये प्रति मीटर हो तो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है, कोई एक वर्गाकार फर्श है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर कुछ पे तो बिछा हुआ है कालीन, ठीक है, एक वर्गाकार कालीन ही है, तो वर्गाकार अंदर से कोई ये कालीन बिछा हुआ है, ठीक, ये हमारा है कालीन, इसके बाहर जो ये स्पेस बच गया इसमें बिछा हुआ है कपड़ा, ठीक है। टोटल इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो वर्ग कमरे का जो फर्श है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 × 10, तो कितना हो गया, 100 m², ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे अगर इस पूरे में हमने कालीन बिछाया होता, सॉरी, इस पूरे में अगर हम कालीन बिछाते तो देखो 15 रुपये मीटर के हिसाब से 100 m में कालीन बिछाने का खर्चा कितना होता, 1500 का, है ना, ये होता अगर सिर्फ कालीन बिछाते।
अगर हम पूरे ही कमरे में कपड़ा बिछाते, पूरे ही इस कमरे में कपड़ा बिछा देते तो कितना खर्चा आता? 650 रुपये का खर्चा आता। लेकिन यहाँ पे इसको टोटल खर्चा आया कितना है? 1338.5 का खर्चा आया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1500 लगने थे, दूसरे में 650 लगने थे, लेकिन दोनों को मिला के लगे कितने हैं? 1338.5, जिससे हमारा इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा लग जाएगा एलिगेशन मेथड, तो 1500 माइनस 1368.5 कितना हो जाएगा? 161.5, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 688.5। अब देखो दोनों में ही पॉइंट है, तो दोनों के नीचे कर देंगे या तो 10, है ना, इसके भी नीचे 10, इसके भी नीचे 10, ठीक है। 10 से हमारा कट गया 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 15, ठीक है। अब कट जाएगा हमारा 17 से, 17 × 17, 17 × 9 = 153, ये भी हमारा 17 से कट जाएगा, 17 × 8 = 136, 17 × 17, ये 7 पे कट गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 81:19 आ गया हमारा कालीन और कपड़े के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो 81:19, अब 81 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 81 मान लो ए स्क्वेयर के बराबर है, क्योंकि कालीन की मान लेते हैं ए है हमारी भुजा, ठीक है, तो ए स्क्वेयर बराबर है 81, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 9, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है 10 और ये वाली दूरी है 9, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी टोटल कितनी हुई? 1 मीटर। और हमसे सिर्फ इसकी चौड़ाई पूछी, देखो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई बताओ, तो 1 मीटर का आधा कितना हो जाएगा? आधा मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो? यहाँ पे आप ये गलती कर सकते हो कि देखो पूरी की लंबाई कितनी? 10, ये वाली लंबाई कितनी? 9, और आपने 10 - 9 करके सीधा 1 मीटर आंसर कर दिया। यहाँ पे 1 मीटर आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी दूरी है सेम, यहाँ पे भी दूरी है सेम, ठीक है, तो दोनों तरफ सेम दूरी है, तो हमारी दूरी आधी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? आधा मीटर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आएगा ना कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, आधा मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया हमारा बतख के सर और पैर वाला सवाल। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, इससे अब थोड़े से कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम इसको करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बतख हैं, अगर सिर गिने तो 180 हैं और पैर गिने जाएँ तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। एक चीज़ है देखो, हिरण के कितने पैर होते हैं? हिरण के हमारे होते हैं 4 पैर, ठीक है, और बतख के कितने पैर होते हैं? बतख के होते हैं 2 पैर। मान लो सारे के सारे बतख होते तो टोटल बतख को तो कितने हैं? सरों का मतलब होता है इतनी हमारी संख्या है, तो 180 × 2 होते पैर, तो कितने होते? 360। तो बतख के पैर कितने होते? 360। और अगर मान लो सारे के सारे हिरण होते तो हिरण के तो 4 पैर होते हैं, 18 × 72, तो टोटल पैर कितने होते? 720। लेकिन यहाँ पे टोटल पैर हैं कितने? 448, ठीक है। तो हमारा सेम वही एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो अब हमारा लग जाएगा एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे 720 - 448, तो 700 में से 448 घटाएंगे तो कितना बनता है हमारा? 252, और प्लस 20 272, और इसमें 448 - 360 हमारा कितना बचेगा? 88, ठीक है। अब देखो 11 से नहीं कटेगा हमारा, 11 × 2 = 22, 11 से नहीं कटेगा, तो किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा 11 पे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो हमारा क्या अनुपात आ गया? 11:34 आ गया, और टोटल हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है? 180, और अनुपात में वैल्यू हमारी कितनी आई? दोनों का जोड़ करेंगे तो 45, और किसकी वैल्यू हमसे पूछी है? हिरणों की वैल्यू हमसे पूछी है, तो हिरण का अनुपात कितना है? 11, तो गुणा 11, ठीक है, सॉरी 11, तो 45 × 180, तो कितनी हो जाएंगी हिरणें हमारे पास? कितनी है? 44। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है तथा कुछ 4 पहिया वाहन है। 4 पहिया का मतलब है जिसके 4 पैर हों, और 2 पहिया का मतलब है जिसके 2 पैर हों, ठीक है। अगर पहिए गिने जाएं तो 520 हैं,
और तथा परंतु पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 175 वाहन है। तो सेम हमारा पता कोरियन वाला सवाल है कि कुछ के चार पैर हैं, कुछ के दो पैर हैं और टोटल मिला के सर कितने 175, यही मतलब हो गया है ना। ये तो हमारा सेम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी सेम हमारे क्या था, कुछ के दो पैर कुछ के चार पैर और दोनों को मिला के इतने पैर, है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।